बीते दिन से ही सलमान खान साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल ये तस्वीर एली अवराम ने पोस्ट की थी, जिनमें उनके साथ सलमान और यूलिया हैं। सबसे खास बात यह है कि सलमान ने एली को हग किया है और इसमें यूलिया वंतूर हैं। पर आखिर एली ने इसे हाथों हाथ डिलीट क्यों कर दिया, क्या है पूरा माजरा, जानिए इस वीडियो रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। जी हाँ, यही है वो तस्वीर। ये तस्वीर काफी वायरल हो चुकी है। इस तस्वीर में सलमान खान एली अवराम और यूलिया वंतूर को हग करे हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर की चर्चाएं इसलिए भी हो रही है क्योंकि पहली दफा एक ही फ्रेम में सलमान खान एली अवराम और यूलिया वंतूर नजर आए हैं और काफी टाइम के बाद यूलिया वंतूर फिर से सलमान के साथ नजर आई हैं। सलमान ने जिस ढंग से दोनों लेडीज को हक किया है, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों सलमान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल एली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सलमान के साथ एक फोटो शेयर की जिसमें एली और सलमान के साथ यूलिया नजर आई। कुछ ही देर में ये फोटो सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल हो गई, लेकिन जब एली को पता चला कि ये फोटो वायरल हो गई है और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने गलती कर दी है, तो उन्होंने तुरंत फोटो को डिलीट कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी वजह से सलमान का राज खुल गया है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो चुकी थी। जी हाँ, सलमान का ये राज लोगों के सामने आ चुका था। खबरों की माने तो तीनों सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सलमान की अपकमिंग फिल्म रेस 3 में यूलिया का एक रोमांटिक आइटम नंबर भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो इतना जरूर है, जो काफी टाइम से सलमान यूलिया के साथ दिख नहीं रहे थे, अब वो फिर से इस फोटो में साथ में नजर आए हैं। पर जाने क्यों इस फोटो को शेयर करने के बाद एली घबरा गई। हो सकता है सलमान ने उन्हें मना किया हो, लेकिन उसके बाद एली ने दो अलग अलग तस्वीरें शेयर की, जिसमें से पहली तस्वीर उन्होंने भाईजान यानी कि सलमान के साथ शेयर की, वहीं पर दूसरी तस्वीर उन्होंने अलग से यूलिया वंतूर के साथ शेयर की। यानी कि पहले तीनों जब एक फ्रेम में थे, वो डिलीट करके अलग अलग फ्रेम में पहुंच गए यूलिया और सलमान खान। इसलिए इन तस्वीरों की चर्चाएं कुछ ज्यादा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।